प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत विकास परिषद द्वारा किए जाने वाले सामूहिक सरल विवाह के लिए युवक युवती परिचय सम्मेलन अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लोगों ने पहुंचकर अपना परिचय पत्र सम्मिलित कर रहे हैं। 3 मई को होने वाले सामूहिक सरल विवाह आयोजन के तहत युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में चल रहा है, जिसमें कि सभी परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं। जिसे अपने लड़की या लड़के की शादी करनी है या करानी है, उसके लिए पूरी व्यवस्था भारत विकास परिषद के द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य भारत विकास परिषद लेकर चल रहा है कि वे परिवार या वे विवाह योग्य जोड़े जो आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारणों से अपना विवाह कर पाने में या उनका परिवार विवाह करा पाने में अक्षम है, ऐसे परिवारों को सहारा दिया जाए और उनके भी नवदंपति जीवन की शुरुआत की जाए। सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में प्रथम चरण के परिचय सम्मेलन का 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें भारत के अन्य राज्यों से भी परिवारगण अपने विवाह योग्य युवक युवतियों को लेकर पहुंच रहे हैं और उनका परिचय प्रपत्र भरकर जमा कर रहे हैं। इसके बाद परिषद द्वारा सभी परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया जाएगा और उचित जोड़े बनाकर 3 मई को विवाह सूत्र में बांधकर सभी के जीवन की नई शुरुआत की जाएगी, जिसकी जानकारी भारत विकास परिषद के सदस्यों ने ग्रैंड एशिया न्यूज टीम को दी है। भाई साहब, जैसा आप हम सब जानते हैं कि हमारे 16 संस्कारों में एक परिणय संस्कार सबसे अच्छा और बड़ा कार्यक्रम होता है। उसमें एक परिवार दूसरे परिवार से बच्ची लाके या बच्ची दे करके उनसे रिश्ता जोड़ता है। तो वह परिणय संस्कार में पहले तो लोग भूमिका, समाज के लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे उन्हीं के समाज के, किंतु आज जैसा बड़े रूप में अलग अलग समाज के लोग पास पड़ोस में रहने लग गए हैं तो लव मैरिज का भी चलन हो गया है। और उसके साथ में कई ऐसे भी जगह देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों का संबंध नहीं हो पा रहा है। तो भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सरल विवाहों का आयोजन करता है, जिसमें हर समाज के लोगों को बुला करके एक दूसरे के बायोडाटा को एक्सचेंज करता है, उन लोगों को मिलने के लिए प्रेरित करता है और बातचीत में अगर कहीं कोई रिश्ता बनने जैसी स्थिति में कोई बाधा होती तो उसमें सुलह करा करके उनको परिणय सूत्र में बंधने की प्रेरणा देता है। और जब वे इसके लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या निर्धन हो या इवन धनवान भी हो या दृष्टि बाधित हो, मूक बधिर हो, इस हर प्रकार के समाज के लिए यह कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है? ये भारत विकास परिषद भिलाई इकाई जो सामूहिक सरल विवाह 3 मई 2022 मंगलवार अक्षय तृतीया के दिन आयोजित कर रही है, उसके लिए हमने 3 बार परिचय सम्मेलनों का आयोजन करने का प्रण लिया है। उसमें पहला परिचय सम्मेलन हम अभी 25, 26 और 27 फरवरी को अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में कर रहे हैं, जिसमें कल 25 तारीख को 22 प्रत्याशियों ने यहाँ पे आकर के अपना परिचय पत्र भरा। साथ में उन्होंने अपना आधार कार्ड, अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कुछ उसमें विकलांग भी आए थे, उन्होंने अपनी विकलांगता का भी पत्र भरा। और उसमें से 3-4 जोड़ों ने कल भी काफ़ी बातचीत की, आज भी बातचीत कर रहे हैं। आज सवेरे से लगभग 22 लोग आ चुके हैं, 22 लोग हैं और आते जा रहे हैं दिन भर, क्योंकि पहले दिन था तो न्यूज़पेपर में भी उसका प्रचार नहीं हुआ था। अभी होने से बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि परिणाम इसका मिलेगा। मैं शिव चरण दास गोयल भारत विकास परिषद का सदस्य हूँ और आपके ग्रैंड चैनल के माध्यम से हम एक समाचार देना चाहते हैं कि आपके आसपास में, आपके परिवार में, दूर में जो भी कोई ऐसे लोग हों जिनके शादी में कोई बाधा आ रही है या नहीं हो पा रहा है, तो भारत विकास परिषद ने एक ये लिया है कि इसमें हम सब लोग की शादी निःशुल्क, कोशिश करेंगे निःशुल्क शादी कराएं। और हम चाहते हैं कि ये समाचार आप अपने परिवार में, आस पास में सब जगह दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग आए और सबको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। भारत विकास परिषद द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य में भारत विकास परिषद ने अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से सहयोग की अपील की है, जिससे यह आयोजन सफल हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।